NIOS ने आप लोग के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो कि आप लोग के ऑन डिमांड एग्ज़ाम जुलाई टू सितंबर को लेकर है। और ये नोटिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ इंस्टाग्राम आईडी पे, अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपको दिख गया होगा वहाँ पे। और इस नोटिफिकेशन में ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप लोग का कब होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे इन्होंने डेट भी बताया कि किस डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट पे कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखोगे मैं आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ और साथ में मैं लिखता भी रहूँगा, आप लोग देखते जाना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में इन्होंने लिख रखा है कंडक्ट ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन इन केबी सेंटर्स एंड रीजनल सेंटर दिल्ली। केंद्रीय विद्यालय में और रीजनल सेंटर दिल्ली में आप लोग का ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलने वाला है। अब देखो ये और क्या बोल रहे, थोड़ा सा और इन्होंने डिटेल में समझाया है। इट इज़ टू नोटिफाई दैट द NVS ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स विल बी कंडक्टेड एट रीजनल सेंटर दिल्ली एंड आइडेंटिफाइड केंद्रीय विद्यालय फ्रॉम 16 जुलाई टू 12 सितंबर 2024। इन्होंने देखो बोला है कि दिल्ली के जो रीजनल सेंटर्स है, दिल्ली में जो रीजनल सेंटर्स है, एक NVS हेडक्वार्टर है और दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है उनमें जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम 10वीं क्लास के लिए 12वीं क्लास के लिए कंडक्ट किया जाएगा 16 तारीख से, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक, ठीक है। तो ये डेट है यहाँ पे। आगे ये बोल रहे हैं द ODE रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन फॉर द सेम विल बी अवेलेबल ऑन NIOS वेबसाइट फ्रॉम 10 जुलाई 2024 इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रीम 3-4। इन्होंने बोला है कि देखो रजिस्ट्रेशन जो है ना आप लोग का ऑन डिमांड एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होगा 10 जुलाई से, ठीक है। जो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, जैसे कि जो स्टूडेंट जुलाई में एडमिशन लेना चाहते हैं या अगस्त में लेना चाहते हैं या सितंबर में लेना चाहते हैं, वो कब से ले पाएंगे, वो 10 जुलाई से ले पाएंगे। इन्होंने डेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और जो स्टूडेंट्स ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो NVS के एक्स स्टूडेंट हैं, वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म कब से भर पाएंगे, 10 जुलाई से ही भर पाएंगे। तो फॉर्म जो है ना अभी ओपन नहीं हुआ है, 10 जुलाई से आप लोग का ओपन होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोग के लिए दिया गया है जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है द क्वेश्चन पेपर ऑफ ODE विल बी प्रोवाइड बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस ओनली द शेड्यूल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन इज़ अंडर, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में जिसके जो सिलेबस है ना वो चेंज करे गए थे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनके सिलेबस अपडेट करे गए हैं। तो जो सिलेबस अपडेट हुए हैं एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन करना। अगर आपने 12th क्लास में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का भी यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है। और बिजनेस स्टडीज़ का अगर आपको एग्ज़ाम देना है ऑन डिमांड एग्ज़ाम, तो इसका सिलेबस भी चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस आया है। फिजिकोलॉजी का भी सिलेबस जो है चेंज किया है इन्होंने, और पेंटिंग का भी सिलेबस इन्होंने चेंज किया है। इन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना न्यू वाला, आप लोग को मैं लिंक दे रहा हूँ, उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप इन सब्जेक्ट का ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने वाले हो तो न्यू सिलेबस के पैटर्न पर ही एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। आपको ओल्ड सिलेबस के बेस पे एग्ज़ाम नहीं देने हैं। क्वेश्चन पेपर जो आपका बनेगा ना, ज्योग्राफी का हो, बिजनेस स्टडीज़ का हो, फिजिकोलॉजी का हो या पेंटिंग का हो, इन सब का न्यू सिलेबस के बेस पर बनेगा। तो न्यू सिलेबस वाला ही तैयारी करना, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, सिलेबस देख लेना कि न्यू सिलेबस में क्या दिया गया है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, वीडियो बनी पड़ी है, उसको देख सकते हो अच्छे से और समझ सकते हो कि क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के बेस पर ही आप लोग का ऑन डिमांड एग्ज़ाम होगा। और ये टोटल जो है 4 सब्जेक्ट जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 4 सब्जेक्ट का ही मतलब कि सॉरी हिंदी का भी जो है ना 12th क्लास के हिंदी का भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए आपके पास। 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे अगर आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो ऑन डिमांड एग्ज़ाम, तो ये ध्यान रखना न्यू सिलेबस के पैटर्न को फॉलो करना है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी सबका सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट के अलावा सभी के सेम है, 10वीं के 12वीं के सभी के सेम है। वो ओल्ड वाले के बिहाफ पर ही अपनी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ओल्ड वाले सिलेबस के बेस पर ही क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो डेट शीट फॉर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर अनाउंस कर रखा है, ये देख लो। अगर आप 12th क्लास में फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट अगर आप देने वाले हो तो थर्सडे से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जुलाई मंथ में ये डेट बता रहे हैं, जुलाई में आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे 16 जुलाई को, 23 जुलाई को और 30 जुलाई को, ठीक है। अगस्त में देना है तो 6 अगस्त को, 13 अगस्त को, 20 अगस्त को और 27 अगस्त को एग्ज़ाम दे पाओगे। और अगर आपको सितंबर में देना है तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 3 सितंबर को और 10 सितंबर को ये बोल रहे हैं कि डेट आप लोग पिक करोगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। ये 10वीं क्लास का भी यहाँ पे दिया गया है, सेम आप देखोगे तो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का दोनों का यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। और इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि अगर आपको जुलाई मंथ में देना है तो इस डेट पे एग्ज़ाम दे पाओगे, आप इस डेट के एग्ज़ाम को डेट को आप फिक्स कर पाओगे, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। इन्होंने डेट भी अनाउंस कर दिया है क्योंकि आपको पता ही होगा ऑन ड्यून एग्ज़ाम आप लोग का शुरू होने वाला था मई के मिड में ही, ठीक है। लेकिन जुलाई का ये फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट मान के चलो फर्स्ट वीक भी कंप्लीट हो गया है। ये 10 जुलाई से बोल रहे हैं कि फॉर्म ओपन हो जाएगा और 16 जुलाई से ये एग्ज़ाम को शुरू कर देंगे, ठीक है। 16 जुलाई से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने लिमिटेड कर दिया है सब्जेक्ट को और लिमिटेड डेट दे दिया है कि लिमिटेड डेट ही है जिस पे आप लोग एग्ज़ाम अपना दे सकते हो। तो इतना अभी जो है आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि अलग अलग आप डेट सेलेक्ट करो या अपने मर्ज़ी से डेट सेलेक्ट करो, इतना ऑप्शन अब आपके पास नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इतना आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि आप अलग अलग डेट सेलेक्ट करो, अपने मर्ज़ी से डेट सेलेक्ट करो। इन्होंने सब चीज़ फिक्स कर दिया है एक तरीके से, ठीक है। और अगर आपको ऑन ड्यून एग्ज़ाम देना है तो फिर आपको देना ही पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग, इनके डेट शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप लोग का फॉर्म जो है 10 तारीख को खुलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है कि अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ताकि हम और भी ऐसी अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करा करो, आप लोग देखते हो वीडियो और चले जाते हो, फिर हो सकता है कि आपको हमारी वीडियो जो है मिले ना, है ना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको मिले ना। तो कोशिश करा करो कि आप सब्सक्राइब कर लिया करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है सब्सक्राइब करने का और ना ही लाइक करने के कोई पैसे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो हमसे, कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो, हम सब जगह आप लोग को रिप्लाई देंगे। जो भी हमसे फीडबैक अच्छा बनेगा हम आपको देंगे, ठीक है। अब देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन ड्यून एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे इसी ऑन ड्यून एग्ज़ाम में, चाहे आप वो जुलाई में दो या अगस्त में दो या सितंबर में दो, आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे इसी ऑन ड्यून एग्ज़ाम में पास होना है, तो आप हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे सकते हो। हम एग्ज़ाम फॉर्म आपका भर देंगे, अगर आप एडमिशन कहोगे तो एडमिशन हम पूरा कर देंगे और साथ में हम आप लोग की तैयारी भी करवा देंगे और ऐसी तैयारी करवाएंगे जिससे कि आप पास हो जाओगे। ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा SYC हो गया, SYCT हो गया, SYC हो गया, यानी कि कंपार्टमेंट नहीं आएगा अगेन। अगर आप हमसे मतलब कि अपना फॉर्म फिल करवाते हो या हमसे अपना एग्ज़ाम फ़ीस को भरवाते हो तो हम साथ में आप लोग को गाइडेंस भी देंगे प्रॉपरली और साथ में हम आप लोग को तैयारी भी करवाएंगे कि एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है। एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो सब हम आपको बताएंगे। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें एडमिशन चाहिए, हम आपका एडमिशन कर देंगे, या एग्ज़ाम फ़ीस भरवाना है तो एग्ज़ाम फ़ीस भर देंगे और हम साथ में आप लोग के गारंटीड पास होने के लिए तैयारी भी करवा देंगे, ठीक है। बाकी हम देखो मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।